झारखंड हाई कोर्ट से तथाकथित जमीन घोटाले मामले में रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाते दिखाई देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी एनडीए के सामने एक मजबूत नैतिक राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत करते दिखाई देंगे। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता पांडे है, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। 31 जनवरी 2024 को ईडी के द्वारा जमीन घोटाले के केस में गिरफ्तारी के ठीक पहले हेमंत सोरेन ने अपने सत्ता की बागडोर अपने पार्टी के कद्दावर और विश्वस्त नेता चंपई सोरेन को सौंप दी थी। हेमंत के गिरफ्तारी के बीच ही पार्टी को लोकसभा चुनावों में जाना था। ऐसे में उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने उनकी अनुपस्थिति में चुनाव प्रचार प्रसार का बीड़ा उठा लिया और 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले पार्टी का प्रदर्शन इस चुनाव में काफी बेहतर रहा। पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की जमानत पर रिहाई और उसके बाद की गतिविधियों से साफ हो गया है कि सूबे में सियासी जंग तेज होगी। जेल से छूटे हेमंत आज शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे व हुल दिवस पर 30 जून को भोगनाडीह भी जाएंगे। भाजपा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा भी हुल दिवस पर राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन यह साफ है कि सूबे का सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। हेमंत सोरेन की जमानत पर रिहाई के साथ ही नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। झामुमो के वरीय नेताओं के मुताबिक हेमंत मझे हुए नेता हैं, वह आगे भी अपना हर कदम पूरे सिद्ध के साथ उठाएंगे, फिलहाल नेतृत्व बदलने के आसार नहीं है। चंपई सोरेन कुशलता विश्वसनीयता और पूरी ऊर्जा के साथ सरकार के बागडोर संभाल रहे हेमंत सोरेन का अगला लक्ष्य विधानसभा चुनाव होगा। वह चुनावी रणनीति को अंतिम रूप जल्द देंगे। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बखूबी कामकाज संभाल रही हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने लगातार प्रचार अभियान चलाया, उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। गांडे विधानसभा उपचुनाव से निर्वाचित होकर उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल को भी प्रमाणित कर दिया है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ विधानसभा में भी दिखेंगे। विधानसभा चुनाव अभियान में हेमंत कल्पना मतदाताओं को साधते दिखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें हजारीबाग अपडेट्स के साथ और हजारीबाग अपडेट्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी देखते रहें। शुक्रिया।